हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डिजिटल ग्राफिक्स। और इस चैनल पर हम फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, 3ds Max से रिलेटेड ट्यूटोरियल डालते रहते हैं। सो जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे बाई डिफ़ॉल्ट 3ds Max का व्यू, और इसमें ये हमारा है फर्स्ट पैनल, इसे हम कहते हैं क्विक एसेस टूल बार। एंड ये है हमारा मेन्यू, जो कि हमारा सेकंड पैनल है। इसमें हमको अलग अलग टूल्स और ग्रुप्स, इन सब के बारे में, एनिमेशन कंट्रोल, ग्राफ एडिटर, इन सब का बताया। और ये जो थर्ड है, ये है हमारा मेन टूल बार। एंड दिस इज़ अवर रिबन, इसे हम लोग रिबन कहते हैं। और यह है हमारा पूरा व्यूपोर्ट लेबल मेन्यू, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट एंड प्रस्पेक्टिव। एंड यह है हमारा कमांड पैनल, और यह है हमारा व्यू बॉक्स, जिससे हम अलग व्यू को चारों तरफ करके कैसे भी कंट्रोल करके देख सकते हैं। एंड यह है हमारा व्यूपोर्ट लेआउट। एंड दिस इज़ अवर टाइम स्लाइडर। एंड ये है हमारे फ्रेम्स। एंड दिस इज़ अवर स्टेटस बार कंट्रोल। ये है हमारा आइसोलेशन बटन, जिससे हम आइसोलेशन मोड में जा सकते हैं। एंड दिस इज़ अवर लॉक। एंड ये है हमारा, एंड दिस पैनल इज कॉल्ड व्यूपोर्ट नेविगेशन। एंड ये है हमारा एनिमेशन कंट्रोल पैनल, जिससे हम अपनी एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये है हमारा कमांड पैनल, जिसमें हमें काफ़ी अलग अलग टूल्स दिए गए हैं, क्रिएट, मॉडिफाई। एंड क्रिएट में से मॉडिफाई है जैसे इसमें, एंड क्रिएट में से हम लोग एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। सिंपली इसे पहले ड्रैग करना है एक एक्सिस में, फिर दूसरी एक्सिस में, एंड देन अपवर्ड आपका बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। यह है हमारा सिलेक्ट टूल, इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट व्यू में होते हैं तो हमें सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट टूल को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, टीपॉट। एंड ये हमें हमारा टॉप व्यू दिखा रहा है, ये फ्रंट व्यू, एंड ये लेफ्ट व्यू, एंड ये प्रस्पेक्टिव व्यू। सिलेक्ट टूल के बाद आता है हमारा सिलेक्ट एंड मूव टूल, इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे किसी भी एक्सिस में मूव कर सकते हैं। जिस एक्सिस में हमें मूव करना हो, उस एक्सिस को ओनली हाईलाइट करना होता है, एंड देन क्लिक करके सिंपली ड्रैग द माउस। एंड इसके बाद ऐसे हमारे पास टूल आता है रोटेट टूल, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। ये येलो कलर की जो भी एक्सिस रहेगी, वो एक्सिस हाईलाइट रहेगी। एंड नाउ दिस इज अवर स्केल टूल। स्केल टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं किसी एक एक्सिस में। या फिर उस पूरे ऑब्जेक्ट को भी हम लोग स्केल कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को स्केल कर दिया है मैंने। एंड दिस इज अवर क्वाड मेन्यू बाय राइट क्लिक। जो मेन्यू खुलता है इसे हम क्वाड मेन्यू कहते हैं। नाउ रेंडरिंग में से हम लोग रेंडर करेंगे, और दिस इज अवर रेंडर फ्रेम व्यू, इसे हम लोग कहते हैं रेंडर फ्रेम व्यू। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।